सो गाइज, हमारा सबसे पहला कुंदन है ये. एक्चुअली ये बाय मिस्टेक कुछ दूसरा शेप आ गया था. तो मैं इसका शेप आपको कैसे बताऊँ, इट्स काइंड ऑफ बलून एंड पीछे इसके ऐसे मीनाकारी है जिसमें हॉट बने हुए हैं. सामने में बहुत अच्छा डिज़ाइन है ये कुंदन का, बट यू नो इसका मैं शेप आपको मैं समझा नहीं पा रही हूँ. एंड ये मुझे रिसी ये सब ऑलरेडी आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देख ही लिया होगा, हमने हीरा क्रिएशन से ख़रीदा था. तो ये कुछ मिस्टेक हो गया है, ये मैंने नहीं मंगाया था और ये 10 पीस आए थे मेरे पास. सो या नेक्स्ट है मेरे पास ये एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, बट इनमें भी कुछ भूल आया था. कोई इसमें सिल्वर में कोटिंग था, किनारे में लाइनिंग था, किसी में ग्रीन था, किसी में डार्क ग्रीन था, किसी में सिल्वर था. एंड यू नो एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक में टूटा हुआ भी था, दो में तो ये था. एंड आप देख ही सकते हो ये कोई दूसरे डिज़ाइन का है, ये कोई दूसरे डिज़ाइन का है, बट ये बहुत सुंदर थे. मतलब कोई भी हो, गंदा कुछ नहीं था, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे. बट यू नो मुझे एक सेट बनाना था, उसके लिए मुझे अगर मैं सारा डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती तो मैं कैसे ही सेट बना पाती. एंड इनके पीछे भी मीनाकारी है सेम. एंड इनका यू नो जैसे जैसे डिज़ाइन है वैसे वैसे इनका अलग अलग पीछे मीनाकारी का वर्क है, और सब में ही बहुत सुंदर सुंदर वर्क है. आप देख ही सकते हैं सब में डिफरेंट है, लाइक जो आपका अलग अलग जैसा आपका डिज़ाइन है उसके पीछे अलग अलग उसके मीनाकारी वर्क किए गए हैं. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल. नेक्स्ट है ये ओवल शेप का, बहुत ही बड़ा था, लाइक ये ह्यूज साइज आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा कुंदन था ये. एंड इसके बीच में एक रेड स्टोन भी था, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था, ये बहुत सुंदर था देखने में, बट ये बहुत बड़ा था. एंड मैं आपको थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखा देती हूँ. एंड इसमें होल्स तो मतलब आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा था और इसमें इतने सारे होल्स थे. एंड मैं आपको कुछ साइज़ दिखाने का ट्राई कर रही हूँ. सो अभी एग्जैक्टली मेरे को सबका प्राइजेस तो याद नहीं है, तो वो ये कम से कम 35-40 के रेंज में आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 45 पर पीस का मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट है ये ग्लास बीड्स. उस दिन मैं आपको ग्लास बीड्स का यू नो अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी क्या कलर है, बट आज आप देख ही सकते हो ग्लास बीड्स में हैं ग्लास ये जो बीड्स हैं, एंड इनका वेट भी बहुत था. नेक्स्ट है ये गंठन माला, और ये थोड़ा पुराना था बट यू नो चल जाएगा, ये अभी मतलब लाइक ठीक था, वरना बहुत मतलब थोड़ा पुराना पुराना लग रहा था, बट ये गोल्डन में था एंड ये प्लास्टिक बीड्स का ही है. नेक्स्ट है ये प्लस था, ये मुझे मैंने प्लस ही मंगवाया था बट साथ ही साथ कटर भी आ गया था, तो मैं ये रिटर्न करूँगी. नेक्स्ट है ये कुछ कुंदन. अब ये मुझे एक सेट बनाना था, उस वजह से मैंने ये हर्ट शेप के ही बोलते हैं मोस्टली, इसको हर्ट शेप बोला जाता है कुंदन में, तो इसके पीछे भी अच्छा सा मीनाकारी था और बहुत सारे होल्स थे, और होल्स इसमें अच्छे खासे थे और आप अच्छे से सेट भी बना सकते हो. तो ये मैंने कुछ 15 पीसेस मंगवाए थे एंड आप देख ही सकते हो आगे पीछे का. ये मेरा सबसे फेवरेट कुंदन है, इसमें किनारे में जो ग्रीन कलर का जो लाइनिंग था इतना ब्यूटीफुल था, तो ये बहुत सुंदर प्रिटी डिज़ाइन था. एक में आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, एक में थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, एंड इनमें होल्स भी थे एंड पीछे मीनाकारी. ऑब्वियसली बहुत हैवी कुंदन था, मतलब रिच लुक दे रहा था बहुत. सो या ये वाला था. नेक्स्ट आप जैसे मैंने जो हॉट शेप बताया ना, उसका मैंने अभी से ही सेट बनाने का तैयारी स्टार्ट कर दिया था, तो उसका है. नेक्स्ट है ये रिंग बेस, एंड ये 10-10 पीसेस था, दो अलग अलग डिज़ाइन के हैं ये सब. मैं आपको एक डिज़ाइन दिखा दे रही हूँ, ये वाला था. ये एडजस्टेबल है तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ. नेक्स्ट है ये वाला कुंदन, मुझे एक और सेट बनाना था, उसके लिए मुझे सिर्फ कुंदन और बीड्स लगता, तो कुंदन तो मेरे पास था ही, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा लो क्वालिटी का ही उसमें भी सेट में यूज़ किया गया था ये सेम कुंदन ही, तो मैंने सोचा एग्जैक्टली यही वाला कुंदन मंगवा लेती हूँ क्योंकि इसमें मीनाकारी भी आता है, बट मैंने सोचा वाई नॉट कि जो सेट में है वैसा ही मैं बनाऊँ सॉरी. तो मैंने ये कुंदन 20 पीसेस मंगवाए और ये बहुत बड़े साइज़ में थे. नेक्स्ट है ये काइंड ऑफ क्या बोलूँ, ये भी कुंदन है बट ये बहुत अच्छा और रिच लुक दे रहा था. ये लाइक नॉर्मल कुंदन नहीं है, ये
इसमें एक रानी काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाया हुआ है उसको, एंड ये मैंने 5 का सेट मंगवाया था। नेक्स्ट है ये एकदम छोटे छोटे राउंड कुंदन, और इनके पीछे भी आप मीनाकारी वर्क देख ही सकते हैं, डॉट डॉट बने हुए थे, और ये इतने छोटे थे कि ये लाइक बहुत क्यूट थे। नेक्स्ट है ये ड्रॉप शेप के, एंड सॉरी मैं आप लोगों को ड्रॉप शेप नीचे रख के दिखा रही हूँ, एकदम एग्जैक्टली कलर का था जैसा मेरा बैकग्राउंड है। तो या एंड इनके पीछे मीनाकारी वर्क थे, बट ये थोड़े से मुझे एक दो पीस डैमेज मिले थे, बट ठीक था, ये 50 पीस का पूरा लाइन था, तो ये बहुत चीप एंड अफोर्डेबल था, एंड स्टील डील था, कुछ 370 या 380 में मिल गया था मुझे पूरा लाइन। नेक्स्ट है ये डोरी, एंड डोरी तो मतलब मैंने पूरा एक भंच ही मंगवा लिया, जिसके पीछे आप देख ही सकते हो छोटे छोटे बीड्स का वर्क किया गया है जो रिच लुक देता है, एंड सामने भी ऐसा बीड का वर्क किया, वैसे ही बीड का, तो मैंने सोचा वाई नॉट यही वाला मंगवा लूँ, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, और मैंने ये 12 पीस मंगवाए, एडजस्टेबल है सो आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट है ये दोनों तरफ हैंगिंग कर सकते हैं वैसा कुंदन है, ऊपर भी इसके एक लूप बना हुआ है, नीचे भी लूप बना हुआ है, और ये मैंने मंगवाया था, ये ओवल शेप में है और राउंड मैंने मंगवाया था तो एक ड्रॉप में भी, बट वो आया नहीं, तो आप देख सकते हैं मैंने इस बॉक्स में रखा है सारा सामान। बीच आज मैं नहीं दिखाई, मैंने सोचा कि वाई नॉट ज़्यादा कुंदन में फोकस किया जाए, और एक और बॉक्स है जिसमें मैंने सारा सामान तो कुंदन गुजरात से नहीं मंगवाया है, कुछ कुछ ही मंगवाया है, तो आप जैसे कि देख सकते हो ये कुछ अनइवन शेप है, तो इसका कोई शेप नहीं है, पीछे मीनाकारी है। नेक्स्ट है ये एकदम सबसे छोटे जो क्या कह सकते हैं स्क्वायर कुंदन है, एंड इनके पीछे ये इतने छोटे थे, इनके पीछे भी मीनाकारी था, और ये बहुत ब्यूटीफुल थे, और राउंड और स्क्वायर कुंदन मेरा फेवरेट था इन सब में से, क्योंकि इतने छोटे और इतने प्रिटी थे, एंड इनमें होल्स भी थे। नेक्स्ट है ये वाला ड्रॉप शेप कुंदन है, और आप देख ही सकते हैं ये मीडियम साइज़ में है, एंड ये ओवल और काइंड राउंड है, उनमें डिफरेंट साइजेस है, इनके पीछे भी आपको मीनाकारी मिलेगा। ये है एक आई शेप का है, एक स्क्वायर है, एक ओवल है, ऐसा है, और ये पूरी की पूरी लड़ियां हैं, मतलब पूरा एक चेन है जिसमें आपको 50 to 25 पीसेस का भी मिलता है। नेक्स्ट ये है कुछ हैंगिंग्स, और आप इनमें डिफरेंट डिज़ाइंस तो देख ही पा रहे हैं, साथ ही साथ डिफरेंट साइजेस भी, और बहुत टाइप की आती है, ये तो बहुत कम है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और अलग अलग में भी आता है, और ये है भी, ये भी सेम ही है, ये भी मतलब टू वे हैंगिंग है, और ये बहुत पतले कुंदन है, इनमें आपको होल्स नहीं मिलेंगे,